Assalamu alaikum, this is Anam Ibrahim from Signature Hotels and Residence. Today I welcome you all at the Property Expo held here in Islamabad. और हमारे साथ आज मौजूद हैं J7 ग्रुप के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर अली मलिक साहब. तो आज हम उनसे कुछ उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं. सो सर अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. हाउ आर यू सर? आई एम फाइन. सर आई वेलकम यू हियर. सर आपसे मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहूँगी. सर बेसिकली तो पहले आप मुझे बताएं कि व्हाट इज J7 ग्रुप, लाइक एनी इंट्रो अबाउट J7. J7 ग्रुप इस टाइम इस्लामाबाद का वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट बिल्डर्स ग्रुप है. हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कोई अराउंड 10 मिलियन स्क्वायर फुट के प्रोजेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, कुछ टॉप सिटी में, कुछ मुमताज़ सिटी में, 2017 इस्लामाबाद में, हम चकवार में भी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक हाई रेंज प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो J7 ग्रुप एक रियल एस्टेट बिल्डर है जिसमें डिफरेंट प्रोफेशनल हमारे पार्टनर हमारे JVs हैं, कुछ हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं. तो J7 प्रोफेशनल का एक ग्रुप है. चलिए दैट्स गुड सर. तो सर जो J7 का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सिग्नेचर होटल्स एंड रेजिडेंस, उसके बारे में आप काइंडली कुछ बताना चाहेंगे कि उसकी लोकेशन, उसके बेसिक फीचर्स? सिग्नेचर होटल हमारा J7 ग्रुप का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है. ये टॉप सिटी इस्लामाबाद में है. इसका अगर लोकेशन देखी जाए तो एक साइड पे इसका एयरपोर्ट है जो अराउंड 2 किलोमीटर पे है, मोटरवे अराउंड 500 मीटर पे है, कश्मीर हाईवे बिल्कुल उसके फ्रंट पे है, सी पैक 2 to 3 किलोमीटर है और रिंग रोड अराउंड 2 to 3 किलोमीटर है. ये आइडियल लोकेशन है किसी होटल प्रोजेक्ट के लिए. हम अल्हम्दुलिल्लाह J7 ग्रुप हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में भी आ गए और पहला प्रोजेक्ट जो हमने इंट्रोड्यूस कराया वो सिग्नेचर होटल्स है और ये पाकिस्तान की पहली फर्स्ट हाई राइज 5-स्टार हमारी चेन हो गई. उसका पहला प्रोजेक्ट हमारा टॉप सिटी इस्लामाबाद में. सर आप क्लाइंट्स को जैसे हमारे जो मतलब लोगों को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि व्हाई टू इन्वेस्ट इन सिग्नेचर्स, लाइक क्या ऐसी बेसिक चीज़ है जो हम लोगों को कन्विंस करते हैं या आप कन्विंस करते हैं कि वो सिग्नेचर में इन्वेस्ट करें? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं तो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट बहुत अरसे से हो रही थी. लोग रेजिडेंशियल में कर रहे थे, कमर्शियल प्लाट्स में कर रहे थे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में कर रहे थे, लेकिन अभी तक होटलिंग में पब्लिक या शेयरिंग बेस की इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं थी. तो J7 ग्रुप ने फर्स्ट टाइम सिग्नेचर होटल्स की सूरत में फर्स्ट टाइम होटलिंग में लोगों को इनवाइट किया कि आप एक होटल जब भी फर्स्ट बनता है उसमें आप मिल के रूम लें, मिल के इन्वेस्टमेंट करें. तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है. इसमें रेंटल इनकम बहुत अच्छी है, इसमें पैसिव इनकम बहुत अच्छी है, इसमें ओवरऑल रिटर्न बहुत अच्छा है. तो एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, एक मार्केट से हट के इन्वेस्टमेंट है. तो मैं लोगों को इन्वाइट करूँगा कि आप आएँ, अभी भी बहुत मुनासिब रेट हम लोग ऑफर कर रहे हैं, आप लोग इन्वेस्ट करें. इंशाल्लाह आपको एक तो रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, अराउंड 200 to 300 पर एनम आपका तकरीबन इसमें रिटर्न है. और रेंटल इनकम देखी जाए तो तकरीबन 0.8% मिनिमम इसकी मंथली रिटर्न रेंटल फॉर्म में इसकी इनकम होगी. दैट्स गुड सर. और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सर आफ्टर द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सिग्नेचर की तरफ से या आपको क्या फीडबैक आया लोगों का, मतलब क्या रिस्पॉन्स आया आफ्टर द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी? बहुत से रिस्पॉन्स आया जी. ग्राउंड ब्रेकिंग भी आपने देखा था कि हमने एक बहुत ग्रैंड इवेंट किया है. अभी हमारा साइट पे ऑलमोस्ट काम स्टार्ट हो चुका है. बहुत से रिस्पांस था, हमारे रेटों में भी इंक्रीमेंट आया, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनको बहुत से रिटर्न आया और काफ़ी लोगों ने जो एंड यूज़र आपको पता है ग्राउंड ब्रेकिंग का था तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एंड यूज़र आया जिस टाइम, बहुत से रिस्पॉन्स था. चलिए थैंक यू सो मच. ये थे हमारे साथ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट J7 के सिग्नेचर होटल्स एंड रेजिडेंस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर अली मलिक साहब और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. So stay tuned. Thank you.